फिरोजाबाद के दाऊदयाल महाविद्यालय में आज स्वामी विवेकानंद युवा मंडल द्वारा ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका टॉपिक देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण रहा। प्रतियोगिता में लगभग 10 छात्राओं ने भाग लिया। फिरोजाबाद से सौरभ सिंह, जिला संवाददाता की रिपोर्ट, स्केच न्यूज। भारत माता की जय का नारा सार्थक होगा। जो ऐसा नहीं सोचता और चाहे जो भी कुछ हो, लेकिन चले उस मातृभूमि को कर ले अभिनंदन, चलो चले उस मातृभूमि को कर ले अभिनंदन। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य जी एवं बाहर से आए हुए मुख्य अतिथिगण, सभी अध्यापकगण एवं मेरी छोटी बड़ी बहन। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है, मैं अभी प्रीवियस एजुकेशन की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष देश निर्माण, देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण विषय पर अपना भाषण कर। तो मैं इसके लिए वहाँ से आई हुई आकांक्षा जी का और कीर्ति शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रही हूँ। उनकी आभारी हूँ मैं जिन्होंने इस हमारे महाविद्यालय को इस कार्यक्रम के लिए चयन किया। ये आज ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिता है, इसके बाद जिला स्तर की होगी। आज कोई पुरस्कार नहीं है आज की प्रतियोगिता का, फिर जिला स्तर पे इनके प्राइज रखे गए हैं। जिला स्तर पे फिर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको फिर राज्य स्तर पर है। उसके बाद नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा किस तरह की प्रतियोगिता रखी गई? आज नेहरू युवा केंद्र की तरफ से ये ब्लॉक स्तर पे भाषण प्रतियोगिता रखी गई है, जिसका टॉपिक है देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण। इसके बाद यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनकी भी जिला स्तर पे प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिला स्तर पे सेलेक्ट होने के बाद उनका राज्य स्तर पे सिलेक्शन होगा, फिर नेशनल लेवल पे उनका सिलेक्शन। और कैश प्राइजेस भी। आज कितने छात्राओं ने भाग लिया इसमें? यहाँ पे हमारे 10 छात्राओं ने भाग लिया है और इसमें निर्णायक मंडल में हमारे महाविद्यालय के ही उसमें टीचर्स हैं। टीचर्स कौन कौन उपस्थित रही हैं यहाँ पे निर्णायक मंडल में? तो डॉक्टर विनीता यादव रॉयल पेंटिंग डिपार्टमेंट की हैं, डॉक्टर प्रेमलता जी और डॉक्टर छाया वाजपेयी। इसके अलावा हमारे